सुनाने के लिए। और आखिरकार कल की वो तारीख है जब इस बड़े मामले पर फैसला आएगा। इस खबर पर स्वामी राजेंद्र गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके 24/7 न्यूज पे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा ऐतिहासिक मामला, कहा जाता है कि हिंदू सेंटीमेंट से बेहद जुड़ा हुआ यह मामला है, अब कल बताया जा रहा है कि कल सुबह 10:30 बजे इसका फैसला आएगा, आप किस तरह से देखते हैं आपसे? जय संत समाज, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी इन फैसले के लिए दिन रात अपना कार्य कर रहे हैं, और जनता से अपील करूंगा कि हमारे भारत का इतिहास रहा है जी। कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, और हमारा जो ये परिवार है ये हमेशा से प्यार और भाईचारे का संदेश देता रहा है। तो हमारे माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा और सभी उस पर प्यार और सौहार्द से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि भारत की भूमि है ये, प्यार और सद्भावना का संदेश पूरी दुनिया को देती आई है जी। स्वामी जी, फैसला चाहे जो भी आए, आखिरकार जीत भारत के संविधान की हुई है, ऐसे में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे होंगे, जरूर होंगे, जो माहौल खराब करना चाहेंगे, उन लोगों का क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, उनसे भी मैं ये विनती करना चाहूंगा, जो हमारे भारत का इतिहास रहा है उस इतिहास को देखते हुए अपने निजी स्वार्थ और निजी जो आपकी अपनी किसी भी प्रकार की बातें हल हो रही हैं या राजनीति हो रही है उसको कृपया एक साइड में रख के अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने भाईचारे के लिए आप विश्व में ऐसा संदेश दें जो सारा विश्व हमारे भारत से सीखता रहा है, भारत हमेशा से विश्वगुरु रहा है और आगे भी रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं जी। और इसी बात का जिक्र अभी जो दोनों पक्षकार थे, हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार, दोनों अभी मिले हैं फैसले से एक रात पहले, एक दूसरे को गले लगाया है और बकायदा दोनों ने अपील की है और ये कहा है कि भारत का इतिहास हमेशा से ये रहा है कि धर्म चाहे जो भी हो, भारतीय हम पहले हैं, हम इंसान पहले हैं, और जो भी कल फैसला आएगा सबको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, धर्म तो हमारा एक ही है, सभी सनातन धर्म से निकले हैं और हमारा हजारों करोड़ों साल पुराना धर्म है, इसी धर्म से पूरा विश्व में विकास हुआ है। हर तरीके से भारत ने हर पहलू पर, चाहे वो बिजनेस का करना हो, चाहे वो धर्म की नींव रखनी हो और चाहे वो रहन सहन का कल्चर हो, वो सब भारत ने दिया है। और मैं उन सभी से अपील करूंगा जो निजी स्वार्थ को, अपने को, भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनसे सभी से अपील करूंगा इन सबको एक तरफ रख के और अपने संदेश दें पूरे विश्व को शांति और सद्भावना का जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी राजेंद्र गिरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जीके 24/7 न्यूज के साथ बातचीत करने